गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है भाई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिलाषा, भरत, आदित्य, क्रैक, गंगोत्री। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। तो चलिए फटाफट सभी लोग मैदान में आ जाइए, क्योंकि हो चुका है भैया आगाज शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, और हमने जैसा आपको शेड्यूल दिया है बिल्कुल उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, और कल आपकी हिस्ट्री खत्म भी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज पांचवा दिन है जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा दिन है। कल मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा और ओवरऑल हिस्ट्री का छठा दिन होगा, और हम हिस्ट्री को पूरा कवर कर रहे होंगे। फिर अगले वीक में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, देन स्टैटिक, देन और अदर सब्जेक्ट पर आएंगे, और जैसे वादे किए हैं वो सब निभाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मनीष, तेजवीर, सौरभ, रूपम, बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल ढेर सारे कोर्सेज हैं, आप अपने पसंदीदा कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या क्या होना चाहिए आंसर। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। पहला ही क्वेश्चन शानदार। हाँ, इसके बाद यूपी जीके का भी नंबर आएगा भैया भरत, बिल्कुल। तो अगर हम शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों, तो जरा समझिएगा कि जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत है इसको हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में तो इसका नाम बड़ा खतरनाक है भैया, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत इसको कहा जाता है। अब आपको एक बात और बता दें कि इसके बारे में जब आप जानेंगे कि ये क्या है ना, तो आपको लगेगा कि ससुरा, ये अंग्रेज आज के टाइम में होते हैं तो ससुरों को पटक पटक के मारते ऐसी थियरी लागू करने के लिए। ठीक है, क्या था पता है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत में ऐसा नियम था कि भाई शिक्षा जो है केवल उच्च वर्गों को दिया जाए, मतलब हाई क्लास के जो लोग हैं केवल उनको शिक्षा दी जाएगी, और निचले वर्गों तक शिक्षा छन छन कर पहुंचेगी। तो इनसे कोई पूछने वाला हो कि भाई साहब शिक्षा है, कोई चाय थोड़ा ना है कि छान छान के पहुंचा रहे हो। इनका कहने का मतलब था कि जो हायर क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, उनको शिक्षा दी जाए, निम्न वर्गों तक शिक्षा छन छन कर पहुंचेगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो हायर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना भैया मनीष बाबू। तो इसे दिया था किसने? मैकाले ने दिया था दोस्तों। अब जरा मैकाले के बारे में एक बात जान लीजिए कि मैकाले कई सारी चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, मैकाले कई सारी चीजों से रिलेटेड है। आइए मैं आपको जरा, है ना, इनके बारे में पूरी जानकारी बता दूं दोस्तों। अगर इनके बारे में पूरी जानकारी को लेंगे तो एक तो आप ये जानते हैं कि ये किस शिक्षा के जनक है भाई? अंग्रेजी शिक्षा के जनक है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि ये अंग्रेजी शिक्षा के क्या है? जनक है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि भारत में जो पहला विधि आयोग बना था, फर्स्ट जो लॉ कमीशन बना था, ये विधि आयोग कब बना था? 1834 में। इसके अध्यक्ष यही थे। ठीक है भैया, इसके अध्यक्ष यही थे। जी हाँ, और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इनका एक मैकाले मिनट्स है। क्या है भैया? इनका एक मैकाले मिनट्स आया था, और मैकाले मिनट्स मतलब मैकाले शिक्षा पत्र एक तरह से 1835 में, जिससे भारत में क्या हुआ था? अंग्रेजी आना, आधुनिक या अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, है ना। ये मैकाले मिनट्स वो है जहां से पेपर में अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिक या अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी, तो आप बताते हैं 1835 में पड़ी। ठीक है भैया, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें मैकाले मिनट्स के माध्यम से, है ना, जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया था, है ना भैया? बिल्कुल भाई मनीष। चलिए अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद देखेंगे तो मैकाले जो कि प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था, इसी की सिफारिश पर आईपीसी का भी गठन हुआ। जी हाँ, शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन आज भी आईपीसी वही चल रही है जो 1860 में बनकर तैयार हुई थी, मैकाले की, है ना, अध्यक्षता में गठित विधि आयोग की सिफारिश पर। ठीक है भैया, तो बिल्कुल, तो ये कुछ जरूरी बातें रिलेटेड टू मैकाले। अगले क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग देंगे। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक ही भाग भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका था?
फटाफट बताइए दोस्तों, ये कथन वैसे सुनकर आपको गुस्सा तो लग रही होगी कि ससुरा तुम जो है चले हो एक पुस्तकालय की है ना एक अलमारी के बराबर पूरे है ना अरब और पूरे भारत की शिक्षा की तुलना करने, तुम्हारे लिए तो हमारे चार वेद काफी हैं, तुम्हारे लिए तो हमारे चार वेद काफी हैं। एकदम शिवम बाबू ने सही आंसर दिया है भाई, सभी लोग आंसर देते चलेंगे है ना। शिवम बाबू का सबसे पहले आंसर आया है गोली की तरह दंदनाता हुआ सबसे तेज। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा एक बात और बता दें कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक, याद रखेंगे अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य सभ्यता अर्थात वेस्टर्न कल्चर के समर्थक कौन थे, तो भैया राजा राम मोहन राय है ना अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे। यह रहा आपका पहला अगला क्वेश्चन भाई। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है दोस्तों, मैकाले किससे संबंधित है तो आप सभी जानते हैं अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, किससे अंग्रेजी शिक्षा। अच्छा एक बात और बता दें आपको दोस्तों, दो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन है और एक क्वेश्चन यह है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। चलिए किसके किसके पास इसका आंसर है फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। कमेंट करो दो भाई, कमेंट करो बताओ, देखें किसके पास इसका आंसर है। क्या बात है भाई रूपम, एकदम सबसे पहले गोली से भी तेज चार्ल्स ग्रांट। दोस्तों याद रखेंगे आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को, जबकि मैकाले को आधुनिक शिक्षा का नहीं अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। समझ पा रहे हैं, इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। और चार्ल्स ग्रांट इसलिए क्योंकि भारत में स्कूलों का जाल बिछाने का कॉन्सेप्ट इसी ने दिया था ताकि शिक्षा को बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों, मजा आए तो एकदम कमेंट करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। यह रहा अगला क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो दोस्तों एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले मिनट से। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस मैकाले मिनट के माध्यम से यह किया गया कि उस समय के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था विलियम बेंटिक, उन्होंने लागू किया इसको और इसके माध्यम से क्या बना दिया गया था, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया। मतलब जो हायर एजुकेशन है उसका जो मीडियम है उसका जो माध्यम है वो किसको बना दिया गया, इंग्लिश को बना दिया गया। ठीक है भैया, तो यहां से अच्छा एक बात यह भी समझिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो बनाया गया उच्च शिक्षा को, तो यह मैकाले की सिफारिश पर बनाया गया और इसी वजह से अंग्रेजी का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को कहते हैं। लेकिन है ना इसी से आधुनिक शिक्षा की नींव भी पड़ी है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भी पड़ी है, फिर भी चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं। ठीक है, यह डिफरेंस याद रखना। बिल्कुल भाई मनीष, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। दरअसल में दोस्तों यहां पर किसकी बात हो रही है, आपने शायद समझा नहीं होगा, यह बात हो रही है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। किसकी बात हो रही है दोस्तों, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हो रही है। तो आपने द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जरूर पढ़ा होगा, जो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। क्या बात है, एक तरफ से भाई आदित्य रूपम राहुल अभिलाषा, बिल्कुल भाई एकदम भाई आकाश एकदम राइट आंसर दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1878। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जब 1878 में ये एक्ट आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लिटन उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय था, लेकिन जिसके समय में रद्द किया गया तब कौन था, रिपन के समय में इसको रद्द किया गया था। याद रखेंगे लाया गया लिटन के समय में और रिपन के समय में रद्द किया गया। ठीक है भैया नवीन, चलो अब देखो क्या है भाई है ना भाई, अब इसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये है ना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब देखो क्या हुआ था, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो याद रखेंगे इसका सर्वाधिक विरोध किया था सोम प्रकाश अखबार ने। किसने किया था, सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश अखबार के संपादक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे भैया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है भैया एकदम, और अब तो वह है ना क्या ही कहे भाई है ना, तब के जमाने में और आज के जमाने में है ना इतना सा फर्क है कि उस समय अंग्रेजों ने लगातार है ना प्रेस पर प्रतिबंध लगाए और आज के समय में प्रेस पर प्रतिबंध है कि नहीं है ये आप खुद सोचिए, लेकिन अभी फिलहाल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति 150वीं है। अगला क्वेश्चन, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
किसने रद्द किया था? तो भैया रेपन ने रद्द किया था दोस्तों, 1882 में रद्द किया था। और रेपन को हम क्या कहते हैं, भारत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है भैया, भारत का उद्धारक कहा जाता है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था और इसे भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट बताओ दोस्तों, किसके किसके पास इसका आंसर है भाई? एकदम शानदार क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो 1784 में इसकी स्थापना विलियम है किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एकदम किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी दोस्तों। एकदम बिल्कुल बिल्कुल भाई राम, एकदम शानदार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उस समय हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन हुआ करता था? वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। एकदम सही जवाब दिया है कई लोगों ने। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित उम्र में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है दोस्तों। देखिए हंटर शिक्षा आयोग, आप जानते हैं कि हंटर शिक्षा आयोग किससे संबंधित था? तो यह प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था दोस्तों? प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह किसकी सिफारिश पर आया था? यह भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन वर्ष 1902 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है भैया, टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। सार्वजनिक शिक्षा योजना, ठीक है ये भी है ना, इसको सार्वजनिक शिक्षा योजना कब लाई गई थी? तो अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक शिक्षा योजना 1944 में लाई गई थी, यहां पर 1915 गड़बड़ लिखा है। और सार्वजनिक शिक्षा योजना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? सार्वजनिक शिक्षा योजना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना इसी आयोग की सिफारिश पर की गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना इसी आयोग की सिफारिश पर की गई। जी हाँ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद भाई, एकदम भैया का शानदार। दोस्तों मजा आता रहे तो बिल्कुल लाइक करते चलेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करना भी बनता है दोस्तों, एकदम। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर जोर दिया था भाई? अरे एकदम, देखो हम आपको बताते हैं दोस्तों, जो वुड डिस्पैच आया था, जैसे एक वुड डिस्पैच था, जो वुड डिस्पैच ने स्त्री शिक्षा पर फोकस किया है ना, वुड डिस्पैच ने है ना स्त्री शिक्षा पर फोकस किया था। और कौन से भाई, यहां पर आप देखिए ये जो लिखा है ना हार्टोंग समिति, इसने भी स्त्री शिक्षा पर फोकस किया था है ना। जो हार्टोंग समिति है इसने महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की थी, हार्टोंग समिति ने। ठीक है भैया, इसके बाद आप देखोगे कि उच्च शिक्षा से संबंधित कौन था, तो ये आपका जो वुड डिस्पैच है ये उच्च शिक्षा से भी संबंधित था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्राथमिक शिक्षा। एकदम बिल्कुल भाई आकाश, निषाद जी, एकदम भाई रूपम, राम, तेजवीर, नैना, शानदार। चलो क्वेश्चन देखो भाई, शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया था? दोस्तों सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग को हम और क्या कहते हैं, इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे सैंडलर, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है दोस्तों, और इसकी इसका महत्व तो इसलिए है क्योंकि इस आयोग ने 10+2 की पढ़ाई को, 10+2 की पढ़ाई को, जो कि पहले कॉलेज में हुआ करती थी, 10+2 की पढ़ाई को कॉलेज से हटाकर है ना स्कूलों में डाल दिया, कॉलेज से हटाकर स्कूलों में डाल दिया। और इसकी इसकी एग्जाम के लिए है ना, इसके एग्जाम के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन किया। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी सिफारिश पर माध्यमिक बोर्ड का गठन हुआ था। किसका भैया? माध्यमिक बोर्ड का गठन हुआ था। एकदम भाई रूपम, शानदार भाई तेजवीर। चलिए तो राइट आंसर है 1917 दोस्तों। चला जाए, एकदम तेज भी, वीर भी, एकदम। चलिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद भाई रीता जी। चलिए ठीक है, स्वागत है। क्वेश्चन है कि भारत में पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए फटाफट बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। किसके किसके पास इसका आंसर है भाई? तो आप देखेंगे दोस्तों 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? बंबई में की गई थी दोस्तों। कहां पर? बंबई में की गई थी। और किसने करी थी? डी के कर्वे ने। क्या बात है भाई मनीष, शानदार भाई रूपम, एकदम भैया गणेश, शानदार। तो भाई ये आपको याद रखना, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, मैं आपको ले चलता हूं कुछ विशेष तथ्यों पर। आइए जरा वीके का जीके अंदाज में पढ़े जाए है ना, कुछ भारतीय शिक्षा के है ना एकदम बेहतरीन वाली चीजें भैया, एकदम शानदार तरीके से, दमदार तरीके से। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि अगर आपसे कहा जाए शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, एकदम जवाब देते जाइएगा, सभी लोग कॉमेंट करते जाएंगे, जवाब देते जाएंगे दोस्तों है ना। क्यों भाई? क्योंकि आप देखिए जितना ज्यादा लिखते हैं वो आपको उतनी ज्यादा याद हो जाता है। ठीक है, शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र बताओ। और दूसरा बताओ
सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सबसे पुराना विश्वविद्यालय। हाँ भाई, भारत का भी सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताइएगा और उत्तर प्रदेश का भी सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताइएगा। जी हाँ, और अगर आपसे कहा जाए क्या पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या बताइएगा? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बताओ भाई, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बताओ। इसके बाद देखो भाई, है ना, इसके बाद यह भी बताओ पहला आईआईटी भी बताओ। क्या बताओ? पहला आईआईटी भी बताओ भाई, पहला आईआईटी भी बताना है। और तो और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी बताना है। क्या बताना है? पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी बताना है। चलो एक तरफ से बताओ फटाफट सभी लोग, है ना, बताते जाओ, कमेंट करते जाओ। मैं कमेंट अभी देख रहा हूं किसका किसका आंसर आया है। इसके बाद देखो भाई, भारत की पहली, है ना, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय भी बताओ, ऐतिहासिक भी बताओ और जो करंट की चीजें वो भी आपसे पूछेंगे भाई, है ना। और भारत भाई पहला खेल विश्वविद्यालय भी बताओ। और पहले खेल विश्वविद्यालय में तो आप देखोगे कि भैया पहले खेल विश्वविद्यालय में आपको भारत का भी बताना रहेगा और यूपी का भी बताना रहेगा। बिल्कुल कमेंट करते रहेंगे सभी लोग, है ना भैया। इसके बाद पहला रेल विश्वविद्यालय भी बताओ। जी हाँ, पहला रेल विश्वविद्यालय भी बताओ कि पहला रेल विश्वविद्यालय कहां बन रहा है। जी हाँ, और पहला जो है, है ना, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भाई, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बताओ। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ये कौन बताएगा? ये भी आप ही को बताना है भाई। और एक कौन सा छूट रहा है? एक आपका छूट रहा है कौन सा? फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बताओ। जी हाँ, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी बताओ। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी बताओ कहां बन रहा है। ठीक है भैया, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत शानदार, दमदार, धमाकेदार। तो आइए देखा जाए सबके आंसर क्या बात है भाई। एक तरफ से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, जब बात। चलो भैया, तो सबसे पहले शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र क्या बताओगे? तक्षशिला बताओगे। क्या बताओगे मित्रों? तक्षशिला बताना है, जो कि आज के हिसाब से पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत का पूछे तो आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या बताना है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है, इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय को माना जाता है, जिसकी स्थापना सन 1887 में हुई थी। क्या बात है भाई मनीष, शानदार। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोस्तों। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां बन रहा है? केरला में बन रहा है, क्योंकि पहला डिजिटल राज्य भी केरला है। जी हाँ, पहली आईआईटी अगर पूछा जाए तो दोस्तों आईआईटी खड़गपुर होगा। क्या होगा? आईआईटी खड़गपुर होगा, जो कि बंगाल में है। क्या होगा? आईआईटी खड़गपुर होगा। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भाई, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा भाई? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज और उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो भाई भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? आईआईटी रुड़की दोस्तों। कौन सा? आईआईटी रुड़की, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन अगर यूपी का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछ ले तो दयाल बाग आगरा। कौन सा? दयाल बाग आगरा होगा दोस्तों। क्या होगा? दयाल बाग आगरा होगा। ठीक है, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट दोस्तों। कहां पर? चित्रकूट में। पहला खेल विश्वविद्यालय भारत वाला कहां बन रहा है? मणिपुर में बन रहा है भैया। और यूपी वाला कहां पर? मेरठ में। ठीक है भैया। हाँ, पहला रेल विश्वविद्यालय कहां पर? बड़ोदरा में। कहां पर? बड़ोदरा गुजरात दोस्तों। जी हाँ, और पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर बन रही है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और रुको जरा, अभी क्लाइमेक्स अभी बाकी है, रुको जरा, रुको अभी, है ना। क्या क्या रुकना है? सुनो फिर, सुनो क्या भाई, कि आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए क्या पहला योग विश्वविद्यालय, ये कौन बताएगा? ठीक है, पहला योग विश्वविद्यालय, तभी तो कहा कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए भाई, तो पहला योग विश्वविद्यालय दोस्तों, अगर भारत की बात करेंगे तो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में बना है। और दुनिया की बात करेंगे भारत के बाहर, तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में बना है। कहां पर? लॉस एंजल्स अमेरिका में। लॉस एंजल्स अमेरिका में बना है। ठीक है भैया, भारत में जो पहला योग विश्वविद्यालय है वो बिहार में बना है, मुंगेर में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, है ना, बिहार स्कूल ऑफ योगा। और भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय बना है वो अमेरिका में बना है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय, ये नाम होगा उसका। ठीक है भैया, और तो और अच्छा, भारत के बाहर पहली आईआईटी कहां बनी है? भारत के बाहर पहली आईआईटी, अब तो सुसुरा जगह ही नहीं बची, कहां लिखे, कहां लिखा जाए बताओ भाई, है ना, जगह ही नहीं बची, अब कहां लिखा जाए? भारत के बाहर
भारत के बाहर पहली आईआईटी, यह सुनो, भारत के बाहर पहली आईआईटी कभी ऐसा हुआ? देखो भैया, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, जब जगह नहीं बची हिया लिखने और समझाने में। देखो कहां पर, यूएई में। कहां पर बबुआ? यूएई में। अरे वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये रहा क्या, ये है वो वीके का जी के अंदाज, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो भैया एकदम पढ़ते जाइए, शानदार तरीके से हौंकते जाइए। अब की पेपर वर्क खोपड़िया में छेद, वो भी आर पार, ठीक है भैया? दूसरे को बोर्ड बड़ा करें, अरे बोर्ड बड़ा करके कहां जाना है भाई। चला मैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, मजा आया ना, तो फिर काहे ऐसे चुप पे बैठे हो, ठोको लाइक। अरे वाह गणेश बाबू, एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल। अगर कहा जाए क्या भैया, भाई पहली आर्टिफिशियल है ना, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर पहला विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर पहला विश्वविद्यालय कहां बना है? तो याद रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर पहला विश्वविद्यालय भी यूएई में ही बना है। कहां पर? यूएई में, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भैया एकदम भाई पंकज बाबू, चलिए, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बिल्कुल बिल्कुल भाई रूपम, शानदार भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो, है ना, हाँ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया था ना, चलो ठीक है। अब देखो भैया, ये रहा निम्नलिखित में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था? बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल भाई गणेश। अब देखिए क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर भाई मेटकॉफ, और क्या, मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों इसका पूरा नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, और आप सभी जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नहीं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। आइए जरा मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं। क्या भाई, अगर आपसे कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, तो क्या बताओगे? भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, फटाफट कमेंट करके बताओ जरा। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक किसे बताओगे? फटाफट कमेंट करो और बताओ भाई। एक तो ये है कि पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं भारत में? पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहोगे, ये भी बताओ फटाफट कमेंट करके। चलो भाई सभी लोग कमेंट करो भाई, पत्रकारिता का राजकुमार। इसके बाद बताओ कि भाई है ना, भारतीय वही है कि भारतीय है ना, भारतीय प्रेस का जनक है ना, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो ये तो बता ही दिया अभी, है ना। एक और बताओ, बहुत शानदार है और शायद बहुत कम लोगों को पता होता है, क्या एक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, एक पत्रकार के कर्तव्यों का, एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे? चलो बताओ भाई, एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, इसका आंसर देने वालों को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, है ना। एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति, करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति, करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति, किसका किसका आंसर आया, कौन था भैया? अरे कहां, अरे वाह रूपम बाबू का आंसर आया एकदम गजब का, एकदम भाई आकाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शिवम बाबू एकदम जबरदस्त, एकदम भाई अभिलाषा, क्या बात है भाई प्रविंद, छा गए सभी लोग भाई, मान गए। चलो तो भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो भैया क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है। और सुनो, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, अरे तो चार्ल्स मेटकॉफ, अब इन्हें तो बताया है, ठीक है, अब इन्हें तो बताया है। और सुनो एक पत्रकार था, ये हो गया बाल गंगाधर तिलक, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है, हाँ एकदम बीके का जी के अंदाज। तो भैया मजा आया ना, तो फिर लाइक वाइक तो बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर ड्रफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, वो भी 1817 में, और शुरू में इसका नाम हुआ करता था प्रेसिडेंसी कॉलेज? बताओ भैया क्या आंसर होगा, जरा फटाफट बताना। तो किसके किसके पास इसका सही आंसर है, फटाफट बताइए। अरे वाह गीता रहस्य, अरे गजब। तो भैया राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर राजा राम मोहन राय। अरे वो आया था ना आर आर आर, है ना, आर आर आर, तो अब समझ में आया आर आर जो मूवी आई थी उसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, उसका फुल फॉर्म राजा राम मोहन राय भी हो सकता है कि नहीं भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। चलो भैया, काशी विद्यापीठ का संस्थापक पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, फटाफट बताइए। हाँ, एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, एकदम शानदार है। चले तो आंसर क्या होगा दोस्तों, वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। खैर, ऑप्शन के अनुसार आप जवाब देंगे तो एकदम पकड़ लेंगे। अरे वाह, क्या बात है, एकदम। चलो, मदन मोहन मालवीय का है बता रहे बबुआ, मदन मोहन मालवीय ने तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ना 1916 में, ठीक है, ये आंसर होगा। बाकी आचार्य नरेंद्र देव ने या महात्मा गांधी ने ऐसा कोई विश्वविद्यालय है ना भैया, हाँ एकदम बैरिता जी। और महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में ही दिया था, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई राजेश, सब बता देंगे। कल की जो आपकी क्लास होगी, आज तो हम जो पढ़ा रहे हैं, आज हम शिक्षा की बात करेंगे, पत्रकारिता की बात करेंगे, गवर्नर जनरल की बात करेंगे, समझिएगा, आज हम शिक्षा की, पत्रकारिता की और गवर्नर जनरल की बात करेंगे। और कल वाली क्लास में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है भैया। हाँ ठीक है भैया, अब जरा ध्यान दीजिए, है ना, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, अच्छा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा, भैया ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा हुआ है ना, और एकदम सही जवाब आ रहा है रोहित बाबू का और रूपम और तेजवीर का, शानदार, कलकत्ता राइट आंसर होगा। और ये बात कब की है, ये बात है 1781 की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो सबको पता है कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे, तो शांति निकेतन के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और शांति निकेतन आपको कहां मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, है ना भैया। हाँ एकदम भाई रीता जी, तो शांति निकेतन याद रखेंगे। बाकी आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय या प्रथम एशियाई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, इनकी किताब गीतांजलि के लिए। भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना अगर आप देखेंगे तो वुड डिस्पैच की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर, वुड डिस्पैच की सिफारिश पर की गई थी, जो कि 1854 में आया था। तो 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, आप कहते भी हैं कि यह मुख्य रूप से किससे संबंधित था, यह एक तो उच्च शिक्षा से संबंधित था और दूसरा किससे संबंधित था, दूसरा स्त्री शिक्षा से संबंधित था, ठीक है भैया। और हम इसको क्यों कहते हैं कि यह उच्च शिक्षा से संबंधित था, इसीलिए क्योंकि इसके ही है ना माध्यम से क्या हुआ था, इसी के माध्यम से है ना तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्यम बाबू प्रबंध तेजवीर, शानदार भाई एकदम सही आंसर दिया है, एकदम सही आंसर दिया है, 1857 इसका आंसर होगा, जी हां। तो 1857, हालांकि अगर 1857 ऑप्शन में ना हो, 1856 हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है भैया। अच्छा, वुड डिस्पैच को आप जानते हैं क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर शानदार अंदाज में। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, दोस्तों भगवद गीता आप जानते ही हैं, भगवद गीता के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि भैया ये महाभारत के छठे पर्व में है, और ये क्वेश्चन कई बार आता है, महाभारत के है कौन से पर्व में है, महाभारत के किस पर्व में है, तो याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, भगवद गीता लिखो, है ना, भगवद गीता अगर आप लिखेंगे तो उसमें जितने अक्षर हैं उतना पर्व है, कौन सा पर्व है, छठा पर्व है, और इस छठे पर्व को क्या कहते हैं, भीष्म पर्व कहते हैं भाई साहब। भगवद गीता दुनिया की पहली ऐसी किताब है जिसमें श्री कृष्ण जी ने सीना ठोक कर कहा क्या, मैं ही उस नारायण का साक्षात ईश्वर का अवतार हूं, और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, चाहे वो चिड़ियों का चहचहाना हो या फिर शेर का दहाड़ना, है कि नहीं भाई। तो पहली बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि अवतारवाद का पहला स्पष्ट उल्लेख
किस पुस्तक में किया गया है? तो याद रखेंगे, अवतारवाद का पहला स्पष्ट उल्लेख कहां किया गया है? भगवद गीता में। शानदार भाई मनीष। अगर आप देखेंगे तो इसका अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने किया था, लेकिन फारसी अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था दारा शिको ने। किसने किया था? दारा शिको ने दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाँ, कर्मों पर आधारित बुक भगवत गीता। यदा यदा ही धर्मस्य है ना ग्लानिर्भवति भारत है ना अभ्युद्धानम अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विलियम जोन्स ने गीत गोविंद भगवत गीता सॉरी अज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर कहां से प्रकाशित हुआ था, तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कहां से? कोलकाता से। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 से। ठीक है, इसके प्रकाशक कौन थे? तो जुगुल किशोर थे। कौन थे भैया? जुगुल किशोर का हुआ था तगड़ा जुगाड़। ठीक है भैया, तगड़ा जुगाड़, जुगुल किशोर। ठीक है भैया। हाँ भैया, अरे गजब। अब देखो एक बात बताएं, आप जानते हैं कि अगर पहला समाचार पत्र पूछेगा तो द बंगाल गजट बताएंगे, जेम्स ऑगस्टन हिक्की 1780, लेकिन प्रथम भारतीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र तो बंगाल गजट है ना 1816 गंगाधर भट्टाचार्य, लेकिन पहला हिंदी वाला पूछेगा तो आपको बताना है ये उदंत मार्तंड। ठीक है भैया। चल, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सेंसरशिप लागू किया? सेंसरशिप दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, किसके किसके पास इसका आंसर है फटाफट बताइए कि सबसे पहले सेंसरशिप किसने लागू किया? तो भैया देखो, अब पूरी बात सुनना, मजा आ जाएगा। किसने लागू किया था? वेलेजली ने। ठीक है भैया, तो पूरी बात सुनो। देखिए, समाचार पत्रों पर जितने भी प्रतिबंध लगे मैं वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं। ठीक है भैया, तो एक आया था सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट। अब आप देखोगे ना, सेंसरशिप जो आया था, आप इसको सुनकर गुस्सा आता है भैया, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट। इसमें क्या था मामला पता है? इसमें यह था कि भाई समाचार पत्रों में जो कुछ भी छापना है पहले उसकी क्या करानी पड़ेगी, है ना, जैसे मान लीजिए समाचार पत्र में कुछ छापना है तो उसकी सेंसरशिप करानी पड़ेगी। मतलब जैसे सेंसर बोर्ड में होता है, तो समाचार पत्र में जो छापना है वो सरकार के पास भेजो, सरकार देखेगी कि क्या है कैसे है, और सरकार को लगेगा कि हाँ एकदम ठीक है तो कहेगी ठीक है भैया छाप लो। ठीक है, अरे हृदय, फिर समाचार पत्रों का है ना प्रेस का महत्व खत्म हो जाएगा। और ये किसके समय में आया था भाई? तो वे वेले गली के समय में आया था। किसके समय में? वेले गली के समय में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देखेंगे आगे चलकर एक प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम आया है ना। क्या आया? प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम आया। और ये प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम जिसको क्या कहते हैं, इसको द लाइसेंसिंग एक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? द लाइसेंसिंग एक्ट भी कह सकते हैं। 1822 में आया था। कौन लेकर आया था? जॉन एडम्स लेकर आया था। ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल ठीक है, द लाइसेंसिंग एक्ट भी कह सकते हैं। इसके तहत यह हुआ कि लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया और किसी को कभी भी है ना लाइसेंस किसी भी पत्र का समाप्त किया जा सकता था। उसके बाद क्या आया है ना, लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट है ना भाई। हाँ, लिबरेशन है ना। इसके बाद कौन सा एक्ट आया? लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट। ठीक है, इंडिया प्रेस एक्ट। ये कब आया दोस्तों? तो ये आया है 1835 में। और कौन लेकर आया था? चार्ल्स मेटकॉफ लेकर आया था, जिसके बाद मेटकॉफ है ना जितने प्रतिबंध थे है ना उसको समाप्त कर दिया गया प्रेस पर। इसी वजह से मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है भैया। हाँ, अगले बात देखा जाए है ना भाई, द हिंदू जो पत्र है उसके मामले में ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहला था या पूर्ण रूपेण पहला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया मनीष। चलो अब जरा ध्यान दो, इसके बाद बाकी आप जानते हैं वही द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है आप सभी जानते हैं कि यह आया कब, तो 1878 में आया और 1882 में फिर क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है भैया। और कौन लेकर आया था? रिपन लेकर आया था। तो कम से कम आपको इतनी बातें याद करनी पड़ेंगी एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद अंदाज में, वीके का जीके का साथ, जबरदस्त जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन, अनहैपी इंडिया दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, अनहैपी इंडिया। अच्छा भाई तेजवीर, चलो है ना। हाँ क्वेश्चन है, अनहैपी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एकदम भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
और आप सभी जानते हैं कि अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, किसने लिखा अनहैप्पी इंडिया, किसके किसके पास जवाब है? अरे वाह, गजब गजब गजब, एक तरफ से सभी का आंसर आया सही, लाला लाजपत राय। दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि लाला लाजपत राय ने एक बुक और लिखी ना, यंग इंडिया। यंग इंडिया के बारे में शायद हमने कल डिस्कस किया था कि यंग इंडिया अगर कहा जाए कि बुक किसने लिखी है, तो ये बुक तो लिखी है लाला लाजपत राय ने, लेकिन ये मैगजीन किसने निकाली थी, तो ये मैगजीन निकाली थी महात्मा गांधी ने। और इसी बुक में कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था, इंडियन ओपिनियन, दोस्तों एक बात बताएं आपको, जैसे एक पत्र है इंडियन ओपिनियन, ठीक है भाई, एक है इंडियन ओपिनियन, अच्छा जाहिर सी बात है कि भारतीयों का ओपिनियन, जब हम भारतीयों के ओपिनियन की बात करेंगे, क्या बात है भाई, एकदम अभिलाषा, रीता, गंगेश, गणेश, आकाश, अवि, अभिषेक, बिल्कुल भाई गंगोत्री, शानदार, एकदम सही आंसर दिया है भाई। भाई इंडियन ओपिनियन था, इसके बाद भारत में कौन सा था, भारत में एक आ गया यंग इंडिया, ठीक है, और इसके बाद और कौन सा आया, एक आया नवजीवन, क्या आया, नवजीवन आया, और इसके बाद एक और आया क्या, हरिजन आया। ये सब के सब किसके हैं, ये सब के सब महात्मा गांधी के हैं। किसके समाचार पत्र थे ये सब, ये सब महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ठीक है भैया, किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, जिसमें से ये पहला वाला साउथ अफ्रीका से प्रकाशित हुआ, ठीक है, बाकी ये दोनों अहमदाबाद गुजरात से प्रकाशित हुआ, अहमदाबाद गुजरात से प्रकाशित हुआ, और ये वाला कहां से, पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ, ठीक है भैया, पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ, समझ गए। हाँ, हिंद स्वराज बुक थी, ठीक है, महात्मा गांधी की बुक थी हिंद स्वराज, और बाकी एक और कौन सी, वही माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो मूलतः गुजराती में इन्होंने लिखी थी, एकदम। बंदी जीवन पुस्तक, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसके पास इसका आंसर नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है, बंदी जीवन के लेखक कौन थे, क्या बात है, सबसे पहले आयुष बाबू और आकाश जी ने एकदम सही आंसर दिया है, सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल दोस्तों, जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिल्कुल याद करिए, है ना भाई, कौन से वो कैदी थे जिन्होंने राजनीतिक, राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, है ना भाई, जीवन में ही क्या किया था, मतलब जेल में ही, है ना, अनशन किया और उससे उनकी मृत्यु हो गई थी, कमेंट करके बताएंगे किसके किसके पास इसका जवाब है, कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने जेल में अनशन किया राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए और उनकी मृत्यु हो गई उसी दौरान, तो भैया कौन थे, जतिन दास, कौन थे, जतिन दास, राजा राम मोहन राय बता रहा हूं है, कैसे काम चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम भाई, एकदम शानदार वे रजनीश, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अरे वाह गजब, राम मोहन राय। आइए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, क्या ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है मिसबाह, ठीक है, मिसबाह केवल एक शब्द याद कर लेना, मिसबाह, ठीक है भैया, मिसबाह। अब देखो मिसबाह से क्या होगा पता है, मी से हो जाएगा मिरातुल अखबार, स से क्या हो जाएगा, स से हो जाएगा दोस्तों संवाद कौमुदी, क्या हो जाएगा, स से हो जाएगा संवाद कौमुदी, और बाह से क्या हो जाएगा, बाह से हो जाएगा ब्रह्म क्रॉनिकल, क्या हो जाएगा, ब्रह्म क्रॉनिकल हो जाएगा, ठीक है भैया। अब समझना कि भाई ये जो संवाद कौमुदी था ये कौन सी लैंग्वेज में था, बंगाली में था, और ये कौन सी लैंग्वेज में था, ये पर्शियन में था, ठीक है भैया, और इसको तो देख के लग रहा है, पढ़ के लग रहा है कि इंग्लिश में रहा होगा, और ये तीनों किसके समाचार पत्र थे, बिल्कुल भैया अभिलाषा, तो ये तीनों राजा राम मोहन राय के थे, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन है दोस्तों शानदार कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम अभी आपको बताया है संवाद कौमुदी, जी हाँ, और मजा आया तो लाइक करते चलना दोस्तों, अभी लाइव देखने वाले लोगों की संख्या लगभग 150 के आसपास है और लाइक की संख्या बहुत कम दिख रही है उसके मुकाबले, इसका मतलब क्या समझा जाए, कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं या आपको चीजें पसंद नहीं आ रही, कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है, तो जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया कर दो, क्या करना है उसमें, उसमें कौन सा पैसा लगता है, बस हमको अच्छा लगता है कि चलो इतने लोग हमको पसंद करते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है ना भाई। अरे भाई कॉमनवेल्थ, लोग पसंद ना करें तो और बात है ना, लोग पसंद ना करें तो और बात है, अगर आप भी पसंद ना करें तो क्या खाक बात है, फिर कैसे काम चलेगा भाई। कॉमनवेल्थ, आपको लगा तगड़ा वाला कुछ आएगा है, कोई तगड़ा वाला नहीं, इतना हमको नहीं आवत। कॉमनवेल्थ पत्र से कौन संबंधित था, तो भैया सबको पता है एनी बेसेंट, दोस्तों एक कॉमनवेल्थ था, ठीक है, और एक कौन सा था, एक न्यू इंडिया था, ठीक है, ये दोनों ही इनका है,
कॉमन विल भी और न्यू इंडिया भी, जो कि है ना आप देखेंगे जिसका इस्तेमाल इन्होंने क्या किया है ना भाई, जब होम रूल लीग आंदोलन चला तो इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया गया था। हाँ, भारत में मूल रूप से होम रूल लीग इन्हीं की देन था। तत्वबोधनी पत्रिका से कौन संबंधित था भाई? तत्वबोधनी पत्रिका, बढ़िया क्वेश्चन है। तत्वबोधनी पत्रिका का इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है कि पहले तो आप यह जान लीजिए दोस्तों, एक संस्था थी जिसका नाम भी था तत्वबोधनी संस्था। तत्वबोधनी पत्रिका भी है और तत्वबोधनी सभा भी है। जो तत्वबोधनी सभा है मूल रूप से इसको तत्व रंजनी सभा कहा जाता था। 1843 में है ना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो आपको इसको कोशिश करनी है कि आपको याद रहे। ठीक है भैया, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक बात और समझ लीजिए कि तत्वबोधनी पत्रिका की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि जो जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है भैया, हाँ जनगण मन अधिनायक जय जो हमारा नेशनल एंथम है, इसे पहली बार किस पुस्तक में छापा गया? तो पहली बार है ना इसी पत्रिका में छपी थी, पहली बार इसी पत्रिका में छपी थी। ठीक है भैया, एकदम जल्दी ही भाई आदित्य भाई है ना लेखपाल के पेपर के बाद, बिल्कुल बिल्कुल भाई मनीष। चलिए एकदम देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप लिखने का कमेंट करने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी लंबे समय तक। तो देखते रहिए, बीच बीच में अपना कमेंट करके बताते रहिए। बंगाली देशभक्ति का बाइबल किसे कहा जाता है? बंगाली देशभक्ति का बाइबल दोस्तों एक बात बताएं, क्वेश्चन आता है एक कि अंग्रेजों के खिलाफ है ना, अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन किसने चलाया था? अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन किसने चलाया? तो ऑप्शन में क्या दिया होता है पता है? राजाओं ने, दूसरा किसानों ने, तीसरा जमींदारों ने, चौथा सन्यासियों ने। तो भैया जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो आंदोलन था वो किसने चलाया, तो आप बताएंगे सन्यासियों ने, और इसी को कहा जाता है सन्यासी विद्रोह। और ये सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था, क्योंकि तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया था। और इसी सन्यासी विद्रोह के बारे में कौन सी बुक में लिखा है? आनंद मठ में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और इस पुस्तक ने कौन से शब्द को जन्म दिया? वंदे मातरम, है ना दोस्तों? जी हाँ, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, तो एकदम शानदार था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या सीन है। देखो भैया, गीता रहस्य की अगर हम बात करते हैं तो यह भगवत गीता पर टीका है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दरअसल में क्या हुआ था कि हमने आपको बताया हुआ है पहले भी कि बाल गंगाधर तिलक को जब वर्ष 1908 में गिरफ्तार करके कहां रख दिया गया? मांडले जेल में। याद रखेंगे इसको कहां पर लिखा गया? मांडले जेल। मांडले जेल आज के हिसाब से म्यांमार में पड़ेगी, तो याद रखेंगे कि म्यांमार के मांडले जेल में इसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, सभी का आंसर एकदम सही है भैया। हाँ, जेल में लिखी गई थी, मांडले जेल में। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? लो भैया, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र केसरी भी था, समाचार पत्र मराठा भी था, दोनों था इनका। अब आप देखोगे कि इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो दोस्तों ये दोनों ही समाचार पत्र स्टार्ट किए गए थे वर्ष 1881 में। ठीक है भैया, जो मराठा है शुरू में इसके संपादक कौन थे पता है? शुरू में इसके संपादक थे आगरकर। ठीक है, इसी प्रकार से जो केसरी है शुरू में इसके संपादक कौन थे? केलकर थे। कौन थे? केलकर थे। और आपको बता दें इसका नाम मराठा है लेकिन ये इंग्लिश में था, और इसका नाम केसरी है ये मराठी में था। ठीक है, ये मराठी में था। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठा हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्या बात है, लगभग लगभग सभी का आंसर सही है। चरण, हेमा, रीता, एकदम भाई सुनील, चलो शानदार भाई प्रबंध। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया? यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन है ना, नवजीवन और हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो भैया महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है भैया, अगर आप देखेंगे तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे एक तो मौलाना आजाद का कौन सा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का कौन सा था भैया? तो अल हिलाल और अल बिलाल। ठीक है भैया, अल हिलाल और अल बिलाल ये दो समाचार पत्र किसके थे? ये थे आपके, ठीक है भाई,
है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के, ठीक है भाई। दादा भाई नरोजी का कौन सा समाचार पत्र था? तो इनका जो फेमस समाचार पत्र हुआ वो हुआ राफ्त गोफ्तार। एक तो राफ्त गोफ्तार हुआ और दूसरा था जिसका नाम था इंडिया, ठीक है, लंदन से निकाला था इसको इंडिया को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड, ठीक है, नेशनल हेराल्ड, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, नेशनल हेराल्ड, ठीक है भैया, बिल्कुल शानदार, जिंदाबाद। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, वो तो जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई एक बुक है, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? दोस्तों हरिजन पत्रिका, पहली बात तो आप ये समझिए कि जब 1932 में, जब 1932 में पुणे पैक्ट हुआ, ठीक है, गांधी जी दलितों के उत्थान पर फोकस नहीं करते थे शुरू में, जब 1932 में है ना गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पुणे पैक्ट हुआ, तब जाकर गांधी जी को पहली बार एहसास हुआ कि हमें दलितों के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने 1932 में पहले तो दलितों को क्या कहा, हरिजन कहा, दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, हरिजन नाम की पत्रिका निकाली और हरिजन समाज सेवक संघ की स्थापना भी की, समझ रहे हैं जी हां। अगला क्वेश्चन हिंदी में था ये, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? चलो भैया फटाफट बताओ कि किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या आपको पता है कि अगर हम वायस कांग्रेस की बात करें तो स्थापना किसके समय में हुई थी? स्थापना जब हुई थी तब तो डफरिन था, है ना, डफर के समय में स्थापना हुई थी। 1885 में जब स्थापना हुई तब तो डफरिन वायसराय था, लेकिन प्रतिबंधित किसके समय में किया गया? वेलिंगटन के समय में। किसके समय में? शानदार, अरे वाह क्या बात है आदित्य, हेमा, आयुष, बिल्कुल भैया शानदार। अब देखो दोस्तों एक बात और बताएं, याद करिए एक क्वेश्चन आता है ना गोलमेज सम्मेलन वाला, गोलमेज सम्मेलन वाला एक क्वेश्चन आता है कि भैया पहला दूसरा तीसरा किसके समय में हुआ? तो आप जानते हैं कि पहला 30 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ और तीसरा 32 में हुआ। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि दूसरे और तीसरे के समय वायसराय कौन था? पहला वाला तो सब अंदाजा लगा लेते हैं कि इरविन रहा होगा, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरे और तीसरे के समय कौन था? वेलिंगटन था। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? लो भाई बताइए। तो लॉर्ड एलिनबरो, ठीक है, अवध का विलय कब हुआ था याद है? 1856 में अवध का विलय हुआ था, जिस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो इस समय गवर्नर जनरल था डलहौजी, क्योंकि इसको हड़प्पा गया था, ठीक है भैया। अच्छा आगे कहा रहा है सिंध का विलय, सिंध का विलय 1843 में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? एलिनबरो था, है ना। चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इस समय वेले जली ही था, एकदम सही बात है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह 1817 से 18 में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है भाई। तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी सी सी, शानदार एकदम, बिल्कुल भाई राम। तो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन, किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया? चलो भैया बताओ, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप में से कोई ऐसा होगा जो नहीं बता पाएगा। ये बताइए भाई, अगर हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, भारतीय पुरातत्व विभाग की, तो भैया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण की बात करें तो इसका जनक किसे माना जाता है? तो भैया इसका जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। माना जाता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि भाई हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन इन्होंने ही कराया था, हालांकि खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। जी हाँ दोस्तों, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक हैं। अच्छा प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे? किसी के पास इसका जवाब है कि प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे ये बताइए? तो प्रथम भारतीय महानिदेशक थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है भैया एकदम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? चलिए भाई फटाफट बताइए इसमें से क्या होना चाहिए आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है भाई। तो देखो सबसे पहले तो आप समझिएगा कि हुआ क्या था, कि अगर हम कृषि विभाग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया 1872 में हुई थी। मुझे लगता है कि अब आप बता लोगे। याद करो रिपन को क्या माना जाता है? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और यह क्वेश्चन
कई बार पूछा गया है। और इसके साथ साथ रिपन को और क्या कहा जाता है, इसके साथ साथ रिपन को भारत का उद्धारक तो कहते ही कहते हैं, और क्या कहा जाता है भैया, इनको भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है, सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है, और सबसे अलोकप्रिय कर्जन को, ठीक है भैया। अच्छा, इसके बाद मेयो इसका आंसर हो जाएगा। याद करो मेयो ने क्या किया था, है ना, अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया था। कहां स्थापित किया था मेयो कॉलेज, इसने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में करी थी। अच्छा, और एक बात यहां समझिए क्या भैया, कि ये जो मेयो है इसी के समय में पहली जनगणना हुई थी ना, पहली जनगणना इसी के समय में तो हुई थी, ठीक है। वो भी कब हुई थी, 1872 में ही हुई थी, और 1872 में ही क्या हुआ था, कृषि विभाग भी स्थापित हुआ था, है ना भैया। हाँ, चलिए आप जरा ध्यान दो भैया। हाँ, बिल्कुल, छह क्लास में हिस्ट्री लपेट लेंगे, बिल्कुल भैया दीपक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। एकमात्र जिसकी हत्या की गई, बिल्कुल मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई, ठीक है भैया। हाँ, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद। तो दोस्तों आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर होगा रिपन। भाई ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था पता है, इल्बर्ट बिल विवाद में ये था, इल्बर्ट बिल लाया गया था 1884 में। कब लाया गया था, 1884 में। और इल्बर्ट बिल में यही था कि भारतीय जो जज हैं, भारतीय जजों की स्थिति यूरोपीय जजों के समकक्ष करने के लिए, भारतीय जजों की स्थिति यूरोपीय जजों के समकक्ष करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है भैया। दरअसल भारतीय जजों को यूरोपीय जजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था, तो इस इल्बर्ट बिल में है ना लाकर रिपन भारतीय जजों को भी यूरोपीय जजों के बराबर अधिकार देना चाहता था, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इनको यहां से वापस बुला लिया कि तुम गए वहां भारतीयों का कल्याण करने कि हम लोगों का भला देखने, है ना भैया। खैर, बाकी आप जानते हैं रिपन के समय बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई, जैसे आप देखिए पहली नियमित जनगणना हुई, है ना, पहली नियमित जनगणना हुई, और वो पहली नियमित जनगणना आप जानते हैं कब हुई, 1881 में हुई। आप देखेंगे इसी के समय में पहला कंपनी एक्ट आया, है ना भैया, पहला कंपनी एक्ट आया, और वो कब आया, वो भैया 1881 में आया, समझ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया भाई, और वो रद्द किया गया 1882 में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव आया और इसलिए उसको उसका जनक मानते हैं, ठीक है भैया दीपक बाबू, ठीक है ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए क्या है, कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ। तो भैया ये तो आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बिल्कुल, सोम प्रकाश अखबार ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, जी हाँ, है ना भैया। हाँ कोई बात नहीं भाई, मैं मैनेज करो भैया राठी जी। और देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, कैनिंग, कैनिंग। दोस्तों एक बात और बताएं कि ये कहा जाता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके अलावा क्या, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो दोनों बातें भी इसको बारे में याद रखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किया था। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। अब देखना, पहली बात तो यह है कि भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है ना भैया, भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, डुप्ले। और डुप्ले क्या था, डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रेंच गवर्नर था, यह पहली बात है कि फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है, पांडिचेरी का। अब अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि अगर ऑप्शन में अवध दे रखा है, ठीक है, तब तो आंसर यही होगा, तब तो आंसर यही होगा। अगर अवध ऑप्शन में ना होता तो आंसर क्या हो जाता, हैदराबाद हो जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है, ये इस बात की बारीकी सबको नहीं समझ में आती, जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा केवल वही इस बात की बारीकी को समझ सकते हैं कि सहायक संधि अगर ऑप्शन में अवध का नवाब है, ऐसे समझो भाई। देखो मैं समझाता हूं, दो मिनट दो, सहायक संधि का मतलब क्या था, है ना, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस या ट्रीटी का मतलब यह था कि जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था उसकी अपनी सेना क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, उसके विदेशी मामले किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते थे, उसके विदेशी मामले कौन देखते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी देखने लगती थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले लेता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी। तो जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेता था उसकी सेना समाप्त, और उस राज्य में सेना अंग्रेजों की तैनात, मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की, ठीक है भैया।
अब यह है, ठीक है। और विदेशी मामले भी अंग्रेजों के पास चले जाते थे, ठीक है भैया। हाँ है ना भाई। अब देखो क्या है कि इसमें समझो कि ये यही चीजें तो है। अब याद करो, वर्ष 1765 याद है, वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि याद है। इलाहाबाद की संधि है ना अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच हुई थी, है ना, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब के बीच हुई थी कि नहीं हुई थी। तो 1765 की इस इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब ने यही तीन समझौते तो किए थे कि सेना समाप्त कर दी अवध की, अंग्रेजों की सेना अवध में तैनात हो गई, मतलब अवध की जिम्मेदारी अंग्रेजों की हो गई, और विदेशी मामले भी अंग्रेजों के पास चले गए। समझ पा रहे हैं? अब जरा एक आपको है ना और तरीका बता दें कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का क्रम, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या? हम तो आपसे भी सीधे हैं। क्या बात है, हम तो भैया आपसे भी सीधे हैं, और सीधे हैं और सीधे ही रहेंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कहता हूं क्या कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। जी हाँ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। देखिए भैया, एकदम शानदार ट्रिक है, गजब की ट्रिक है। देखना क्या होगा फायदा इससे। इससे फायदा ये होगा दोस्तों, हासिल हो जाएगा हैदराबाद। तो सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद ने अपनाई, फिर किसने अपनाई? मैसूर ने अपनाई, फिर किसने अपनाई? से तंजौर ने अपनाई, फिर किसने अपनाई? आज से अवध ने अपनाई। यहां अवध फिर आएगा, है ना, यहां पा और स को मिलाकर पेशवा हो जाएगा, ठीक है भैया। भा से क्या हो जाएगा दोस्तों? भोसले हो जाएगा, ठीक है। और सीधे से क्या हो जाएगा? सिंधिया हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही तो है क्या भैया, वीके का जीके अंदाज, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार शानदार शानदार। चलिए चला गया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है भैया। हाँ लो भैया, मनीष बाबू फिर से वही कंफ्यूजन, वही बात मैं बता रहा हूं कि अगर आप देखोगे तो वेले जली की एक बात समझना, अगर आप देखो भारत में सहायक संधि का जनक पूछेगा तो डुप्ले बताओ, पूरी बात सुनो, और कहा जाए भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किया, ऑप्शन में अवध का नवाब दिया है तो यही आंसर है। अगर यहां से अवध का नवाब हटा दो तो आंसर हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण हमने बता दिया कि इलाहाबाद की संधि उसके पीछे कारण है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर मान लो कि अवध का नवाब ऑप्शन में हो भी और यहां लिख दिया जाए कि वेले जली की सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, अगर यहां लिखा जाएगा कि वेले जली की सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, तब आपका आंसर हैदराबाद हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेले जली की सहायक संधि ये वाली है, ठीक है, ये वेले जली की सहायक संधि है। अब ऐसा थोड़ा ना है कि वेले जली से पहले किसी ने भारत में सहायक संधि नहीं शुरू की, तो ये वेले जली की सहायक संधि है, इस बात को समझना। यही तो डीपनेस है दोस्त, है ना, यही तो वो बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको बाकियों से है ना असफल लोगों से अलग बनाएगी और सफल लोगों की सूची में आपको खड़ा करेगी, ठीक है भैया। चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, तो ये रहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया, तो ठीक है वॉरेन हेस्टिंग को बनाया, क्या समस्या है, ठीक है वॉरेन हेस्टिंग को बनाया, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान दीजिए भाई। हाँ भाई मनीष, अब देखना क्या है भाई, अगर आप देखोगे तो एकदम जरा बीके का जीके अंदाज में सारे गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय सबकी खोपड़ियां फोड़ के रख देंगे, अरे मतलब एकदम क्लियर करके रख देंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया। अब आइए जरा 2 मिनट का समय दीजिए, क्या होगा? पहली बात तो यह होगा कि भारत में पहले बताओ गवर्नर हुआ करता था, फिर क्या हुआ? गवर्नर हुआ करता था, वो भी कहा गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या हुआ करता था? गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था। फिर इसी पद को आगे चल के क्या बना दिया गया? फिर इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर क्या हुआ आगे चलकर? फिर यह हो गया कि नहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर यह हुआ कि ऐसा है निपटो जरा, है ना, अब ले आए क्या वायसराय ऑफ बंगाल, ठीक है, सॉरी इंडिया, वायसराय ऑफ
इंडिया, क्या लेकर आए, वायसराय ऑफ इंडिया लेकर आए। फिर क्या लेकर आए, जब देश आजाद हो गया तो फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेकर आए, फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेकर आए। समझ पा रहे, तो ये सीक्वेंस चला। फिर क्या हुआ, फिर खत्म, फिर राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, अब देखो भैया, तो आपको समझना पड़ेगा ना, गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करें तो फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर जो था उसका नाम क्या था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, स्वर्ग से उतरा सेना नायक, है ना, बिल्कुल ठीक है भैया, स्वर्ग से उतरा सेना नायक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, लास्ट गवर्नर कौन था, तो लास्ट था वॉरेन हेस्टिंग, है ना, कौन था भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स था। पूरी बात को समझना, ठीक है, सारा कंसेप्ट आज क्लियर करके जाएंगे आप। जो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल हुआ, गवर्नर हुआ, वही बंगाल का पहला भी हुआ, अगर पहला पूछा जाए तब भी वॉरेन हेस्टिंग होगा। ठीक है, क्यों हुआ भाई, क्यों होगा आखिर, इसलिए होगा क्योंकि, है ना, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, उसमें यह लिखा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग, उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। समझ गए, और सुनो भैया पूरी बात, इसके बाद लास्ट कौन हुआ, तो लास्ट हुआ कौन, विलियम बेंटिक। कौन हुआ, विलियम बेंटिक। क्यों हुआ विलियम बेंटिक, इसलिए क्योंकि विलियम बेंटिक के समय में भी एक एक्ट आया, और उस एक्ट का नाम क्या था, उस एक्ट को कहा गया चार्टर एक्ट 1833। और इस एक्ट में कहा गया कि ऐसा है कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लास्ट कौन हुआ, तो लास्ट हुआ दोस्तों कौन, कैनिंग, है ना, कैनिंग, है ना। कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई, तो इसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट आया जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1858। यह हुआ कि भैया ऐसा है, कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई तो तुम भी निपटो, ठीक है, तुम भी घुसो, हटो यहां से। ठीक है, अब आएगा क्या, अब आएगा फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो इसी को बना दिया गया बकलोल को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर ये हुआ कि लास्ट गवर्नर, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो लास्ट वायसराय कौन था, तो भैया ये थे माउंट बेटन। और जब माउंट बेटन थे तो हमने ले ही ली थी आजादी, किससे ली थी, अंग्रेजों से, किससे ली थी, अंग्रेजों से ली थी। आपको भी चाहिए क्या, आजादी, किससे आजादी, बेरोजगारी से आजादी, है ना, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, जी हां, इन सभी से आजादी चाहिए। लास्ट कौन था, माउंटबेटन। अब माउंटबेटन के समय में क्या हुआ कि हमने कहा ऐसा है आजाद कर दो, खोपड़िया फोड़ देंगे, तब लेकर आए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कब लेकर आए, 1947 में। ठीक है, और फिर यह हुआ कैसा है, निकलो यहां से। ठीक है, तो देश हो गया आजाद, तो पहला भी इसी को बना दिया, काहे काहे नेहरू जी के मित्र थे तो इन्हीं को बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये कुछ दिन बाद चले गए, समझ गए कि यार रहना ठीक नहीं है, तो फिर सी राजगोपालाचारी को लेकर आए, जो स्वतंत्र भारत के अंतिम, ठीक है, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। ठीक है भैया, आई बात गई समझ में, फिर क्या हुआ, संविधान लागू हो गया और राष्ट्रपति। ठीक है भैया, हाँ भैया गोरख ना, अरे ऐसे लोगों की तो कुटैया होती रहती है। चलिए चलिए, तो दोस्तों एकदम शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है, और वही है कि वीके का जीके अंदाज है बबुआ, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, अब की शानदार तरीके से पेपरवा में, है ना, एकदम तहलका मचा के आइएगा भैया। हाँ बिल्कुल, माउंट बेटन योजना 1948 भैया, 47 47। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो तुरंत दौड़ा दौड़ा का आंसर बताएंगे, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग भारत का, सुनो कौन था भैया पहला गवर्नर जनरल भारत का, कौन था, तो विलियम बेंटिक था। कौन था, विलियम बेंटिक था। ठीक है, यहां देख लो, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, समझ गए, एकदम सिंपल है। चलो अच्छा अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, एक बार बताओ, समझना, एक बार ऐसा हुआ ना, एक बार ऐसा हुआ, सतत विकास गोल करा दें, है ना, ट्रिक से, अच्छा करा देंगे। देखो ऐसा है, अभी जब स्टैटिक पढ़ाएंगे तो उसमें सतत विकास वगैरह पढ़ाएंगे, उसमें टेंशन मत लो। अगर ऑप्शन में विलियम बेंटिक ना हो तब क्या करोगे, अगर ऑप्शन में विलियम बेंटिक ना हो तो यह मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, तब यह आंसर लगा देना वॉरेन हेस्टिंग। ऐसा एक बार हो चुका है, वो भी बकायदा यूपी पीसीएस में। ठीक है, चलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां है, अरे तो ससुरे को यहीं गाड़ दिया कहां पर, गाजीपुर में, कहां गाड़ दिया भैया, हाँ पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नाम है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल भैया मनीष बाबू
तो गाजीपुर में है। बाकी आप जानते हैं दोस्तों, एक तो कार्नवालिस का मकबरा भारत में है और दूसरा मेयो को, ठीक है, कार्नवालिस को यही गाड़ दिया और मेयो को वही लॉर्ड कार्नवाल सॉरी मेयो को जो है अंडमान निकोबार में छूरा घोप के निपटा दिया, ठीक है। मेयो गए थे वहां अंडमान निकोबार देखने कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, इनका जीवन खराब हो गया है ना भैया। हाँ ठीक है, भारत में सर्विस सिविल सर्विसेज का पिता भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? तो सबको पता है किसको कहते हैं, कार्नवालिस को कहते हैं, ठीक है भैया। तो न केवल सिविल सर्विसेज का बल्कि पुलिस सेवाओं का भी जनक इन्हीं को कहा जाता है। तो चाहे आपसे पुलिस सेवा का जनक पूछे और चाहे आपसे, ठीक है भैया, सिविल सेवा का जनक पूछे, आप क्या बताओगे? आप बताओगे कार्नवालिस। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि जब देश आजाद हुआ तो यह हुआ कि आईसीएस जो होता है, इंडियन सिविल सर्विस, है ना, इसको क्या किया जाए, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा बदल के आईएएस कर दो, ठीक है, बदल के आईएएस कर दो, ठीक है, इसीलिए, ठीक। हाँ, फिर इनका मकबरा बना दिया, बस बना दिया, भारत वाले कुछ भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखा जाए पोस्ट टिकट का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई भारत बिल्कुल। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? ये ससुरा द्वैत शासन की आज खोपड़िया जो है पूरी एकदम साफ कर देंगे। देखो राइट आंसर क्या है दोस्तों, राइट आंसर है 1772, ठीक, 1772। शानदार भाई आकाश, गजब भाई, एकदम बिल्कुल भाई राम। अब जरा देखो दोस्तों, एक चीज समझिएगा कि ये जो द्वैत शासन बंगाल में था, द्वैत शासन का मतलब समझ रहे हैं, द्वैत शासन का मतलब एगो कंपनी का शासन और दूसरा का नवाब का शासन। तो एगो कंपनी अपनी खिचड़ी पकाती थी, नवाब अपनी खिचड़ी पकाते थे, ठीक है, इसी को कहा गया द्वैत शासन। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था कब, 1765 में। और किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। और बंगाल में इसको द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। और 1772 में जब खत्म किया गया तब वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हालांकि एक क्वेश्चन आता है प्रांतों में द्वैत शासन, तो 1919 और केंद्र में द्वैत शासन 1935, ठीक है। चलो हाँ भाई बिल्कुल भाई आकाश, बंगाल में द्वैत शासन सरकार की स्थापना किसने की थी? तो अभी बताया आपको कि किसने की थी, क्लाइव ने की थी। बंगाल में द्वैत शासन का जनक पूछे तो इसी को बताएंगे, लेकिन सामान्यतः अगर कहा जाए द्वैत शासन का जनक तो एकदम भैरूपम लियोनेल कार्टिस को कहा जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को किसने समाप्त किया? तो अभी अभी आपको बताया है कि वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था 1772 में, ठीक है भाई। क्लाइव ने 1765 में स्टार्ट किया इलाहाबाद की संधि से और इसने 1772 में खत्म किया, ठीक है भाई। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? याद करिए, हमने बताया था आपको कि भाई याद करो कि किसने दी थी भाई, याद है आपको? स्त्रियों की शिक्षा की बात किसमें की गई थी? वुड डिस्पैच में की गई थी ना, वुड डिस्पैच में स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई थी। और यह 1854 की बात है और 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी तो कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बस पकड़ में आ गई होगी बात कि इस दौरान कौन था, यह था, है ना, डल भाऊजी डलौजी, ठीक है भैया। हाँ हाँ देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? लो भैया, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत, याद करिए यह सिद्धांत कौन लागू कर रहा था? यह डलौजी लागू कर रहा था। और इसको अंग्रेजी में क्या कहा गया? अंग्रेजी में कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एडॉप्शन अप्लाइड। तो इतना लंबा तो खैर नहीं, आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से याद कर लो, कई बार हिंदी में ऐसे लिख कर आता है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है भैया, तो ऐसे हिंदी में भी लिख कर आता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक है भैया। फटाफट बताइए क्या होना चाहिए आंसर, फटाफट बताएं भाई। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से किस ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, जाना पसंद करेंगे, फटाफट बताएं, एकदम बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज तो होते ही हैं, ठीक है भैया। हाँ क्या क्या, हाँ रानी लक्ष्मीबाई पर, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई पर झांसी पर लागू किया गया था मुख्य रूप से,
सबसे पहले सतारा को हड़पा था, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर होगा सिर्फ हिंदू राज्यों पर। किस पर? सिर्फ हिंदू राज्यों पर, नहीं नहीं सिर्फ हिंदू राज्यों पर, ठीक है, नहीं उत्तरी राज्य नहीं, सिर्फ हिंदू राज्यों पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। बाकी आप जानते हैं कि भाई अगर डलहौजी द्वारा हड़पे गए, डलहौजी द्वारा जो राज्य हड़पे जा रहे थे, तो इसमें कहा जाता है हड़प नीति। तो हड़प नीति लागू की डलहौजी ने, और डलहौजी की जो हड़प नीति थी इसमें हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? इसमें हड़पा गया पहला राज्य था सतारा, और हड़पा गया अंतिम राज्य कौन सा था? हड़पा गया अंतिम राज्य था अवध, जिसमें से अवध वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लागू हुआ? तो भैया प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब आया था? 1904 में आया था, है ना। 1904 में ही आप देखेंगे तो फीफा की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? फीफा की स्थापना हुई थी, जिसका हेड ऑफिस ज्यूरिख में है। 1904 में ही आप देखेंगे तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ठीक है भैया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर, है ना। 1904 में ही अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? अभिनव भारत नामक संस्था की, वीर सावरकर ने स्थापना की थी, ठीक है भैया, एकदम शानदार है। तो आंसर तो समझे गए होंगे कि करजन हो जाएगा, जो भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय माना जाता है कि नहीं भाई। पिंडारियों का सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? तो पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने, पिंडारी कौन थे भैया? पिंडारी लुटेरे थे जिनको मराठों का, है ना, क्या प्राप्त था? मराठों का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन था? मराठों का समर्थन इन्हें प्राप्त था। तो ये क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है, ठीक है भैया। मल्हार राव होलकर, अरे मल्हार राव होलकर कौन है? मराठा सरदार थे, ठीक है भैया, है कि नहीं, खतरनाक क्वेश्चन एकदम भाई गणेश। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, मित्र मेला को ही बदलकर अभिनव भारत किया गया था। पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, बड़ा खतरनाक व्यक्ति था भाई, ये जो हेस्टिंग्स है, इसी के समय में पिंडारियों का दमन हुआ। तो पहले हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया, और फिर 1817 से 18 में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा और पूरा मराठा खत्म कर दिया। पहले पूरा का पूरा मराठों को खत्म कर दिया। तो 2-in-1 याद हो जाएगा। याद करने का यह तरीका है कि भैया पहले हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया जो मराठों के समर्थक थे, और फिर मराठों से तीसरा एंग्लो मराठा वार लड़ा और कहानी खत्म कर दी। हाँ बिल्कुल भाई, वीर मूवी एकदम बिल्कुल। तो वीर मूवी में पिंडारियों को दिखाया गया है, है ना। हाँ, ताली मार दे हत्ती वीरा, ताली बजेगी, है ना। हाँ, माते बिंदी, है ना, और तेरा और पता नहीं काका सजेगी, है ना, वही वाला जरीन खान बकवास रोल। अरे प्रियंका जी का कहना है, सर मैं जब आपसे कुछ बोल रही हूं तो ग्रुप में लोग मुझे, अरे क्या बोल रहे हो भाई, बताओ भाई। नहीं नहीं, नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ना। चलो पहली रेलवे लाइन, अरे कैसा क्वेश्चन है भाई, तो सबको पता है, डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय में क्या हुआ था? देखो ऐसा है, डलहौजी के समय में और क्या क्या हुआ सुनो। एक तो पहला डाक टिकट, पहला डाक टिकट किसके समय में जारी किया गया भाई? पहला डाक टिकट इसी के समय में जारी किया गया, ठीक है। और सुनो, है ना, जो बंदरगाह है, जो भारत के बंदरगाह है, इनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ, वुड डिस्पैच तो आया ही आया था। और क्या हुआ, हड़प नीति इसने लागू करी ही करी थी, ठीक है। और क्या हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डलहौजी के समय में हुई, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ा जाए भाई। देखो ऐसा है कि जो पहली ट्रेन चलाई गई थी, सबको पता है कि एग्जैक्टली कब चलाई गई थी भैया? तो 16 अप्रैल के दिन चलाई गई थी, है ना। दुनिया में पहली ट्रेन कहां चली थी? पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो भैया मुंबई से स्टार्ट हुई थी, और कहां तक के लिए थी? मुंबई से ठाणे। कहां तक? मुंबई से ठाणे। आप देखेंगे मुंबई में जहां से इसे चलाया गया था उस स्टेशन का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है भैया। अब देखो क्या है कि ये कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी, है ना। किस कंपनी ने इसको चलाया था? तो कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी। क्या नाम था इसका? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी द्वारा इसको चलाया गया था। और इसमें जो इंजन लगा था, उस इंजन का नाम बताओ, इंजन का नाम कौन बताएगा? इंजन का नाम कौन बताएगा? फटाफट बताओ, इसमें लगे वाले इंजन का नाम कौन कौन बताएगा? फटाफट बताओ भाई। हाँ, इंजन का नाम बताओ, है किसी को याद? नहीं नहीं याद है, चलो बताते हैं। डेक्कन क्वीन नाम था। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन नाम था, ठीक है, डेक्कन क्वीन, ठीक, इसको भी याद रखेंगे।
नहीं नहीं इससे ज्यादा डीप क्या जाएंगे भाई। देखो जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे है ना, हम बिल्कुल एनालिसिस के बाद उसी लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे ज्यादा डीप क्या ही जाएगा। ठीक है भैया, चलिए एकदम मन से पढ़िए, एकदम शिद्दत से पढ़िए, पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे छपेंगे, एकदम पूरा विश्वास है। चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सबको पता है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव 1882 में आया था, सती प्रथा का अंत आप देखेंगे तो 1829 में हुआ, व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी ने लागू किया। ठीक है, तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा आंसर, 3412, 3412 कहां है, 3 4, अच्छा 3421, हाँ ठीक है ये सही। चलो भैया, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था, तो गवर्नर जनरल कौन था जिसने ना क्षेत्रीय भाषाओं को अदालतों में शुरू कराया, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन है भैया, एकदम गजब का, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा। हाँ भाई, क्या है, यूपीपीसीएल की क्लास कब से कराएंगे? यूपीपीसीएल अभी देखना पड़ेगा है ना, पहले कुछ नोटिफिकेशन वगैरह का कुछ माहौल चले पता तब। हाँ क्या है, पंजाब सिंध और सुल्तान तीन इंजन थे, भोलू नाम का हाथी, अच्छा तीन इंजन थे, भोलू नाम का हाथी उसका शुभंकर था। अच्छा पहले वाले में इतने इंजन तो नहीं थे। चलो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंटिक हो जाएगा है ना, विलियम बेंटिक हो जाएगा। किसका किसका आंसर सही है, अरे किसी का आंसर सही नहीं दिख रहा, प्रविंद्र बाबू क्या बात है, गजब शानदार, गजब गजब। हाँ यूपी जीके भी पढ़ाएंगे, अरे बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, अरे कहा यूपी जीके भी चलेगा है ना, और बिल्कुल भाई देखो 3 बजे है ना, 3 बजे आपकी ज्योग्राफी और यूपी जीके की क्लास का टाइमिंग है, 3 बजे है ना, डेली चलता है, डेली 3 बजे अभी ज्योग्राफी चल रही है ना, ज्योग्राफी जो है आपकी 13 तारीख को खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 7 दिन लगातार नॉन स्टॉप यूपी जीके ही चलेगा, कब, 3 से 4, तो 3 से 4 डेली पढ़ने आया करिए ना, अभी ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है हाँ, और उसके बाद जो है आपका है ना 14 तारीख से 20 तारीख तक उसमें यूपी जीके चलेगा। ठीक है, तो उसमें पढ़िए भारत में स्थानीय, क्योंकि इसी क्लास में 20 तारीख तक सब खत्म करा पाना संभव नहीं है, और हमारा टारगेट है कि 20 तारीख तक खत्म करेंगे। ठीक है भैया, हाँ अच्छा ज्योग्राफी में ज्यादा लंबा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, है ना, अच्छा भी तो चल रहा है। स्थानीय स्वशासन का जनक बताया जा चुका है कि भैया रिपन को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय में 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव आया था। स्थानीय स्वशासन का मतलब आप जानते हैं, पंचायत और नगर पालिका को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल है ना भैया। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सबको पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, माउंटबेटन थे, अंतिम कौन थे, अंतिम जो है गोपालाचारी थे। ठीक है भैया, और ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और इनको सही कालक्रम दीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन खतरनाक लगेगा, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जब देता है तो लोग बेहोश हो जाते हैं। सुनो, कर्जन के समय में सबको पता है, याद कर लो, अरे 1905 का बंगाल विभाजन तो याद ही होगा। चेंजफोर्ड के समय याद करो, चेंजफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेंजफोर्ड सुधार कब आया था, 1919 में आया था। गांधी इरविन पैक्ट याद कर लो, 1931 में हुआ था, और हार्डिंग के समय में हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया था राज बिहारी घोष के कुछ लोगों ने, है ना 1912 में। अब बताओ ऐसे फिट कर लो, सुपर हिट हो जाएगा। तो 1 3 2 4 काम खत्म, 1 3 2 4 माता रानी की जय जयकार, है कि नहीं भैया। हाँ अच्छा, ऐप में भी डलवा दें, अच्छा भैया रूपम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बीगा सीरीज पड़ी है, अच्छा 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 यूट्यूब में नहीं देखोगे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है, और लाइक वाइक देखो दबा कराना चाहिए, यह गलत बात है। देखो ऑनलाइन क्लास में आपके जो लाइक है, आपके जो कमेंट है, आपके जो सब्सक्रिप्शन है, बस यही है ना, इसी से बस प्रेरणा मिलती है ना। नहीं तो ऑफलाइन में तो क्या होता है कि इंसान बच्चा सामने बैठा रहता है तो देख के फील आता है, यहां पर फीलिंग जो है वो लाइक वाइज से देख कर आता है, इसलिए करते रहा करिए दबाकर। तो भैया देखो, अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस लाया, एकदम ठीक है। वेलेजली सहायक संधि लाया, एकदम ठीक है ना भैया। और फिर आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था पता है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 में शुरू हुआ था, 16 में खत्म हो गया था सुगोली की संधि से, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 में हुआ था। ठीक है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय जॉन सोर नहीं था, ठीक है, जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध के समय नहीं था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय कौन था, यही था
लॉर्ड हेस्टिंग ही, ठीक है भैया। हाँ अच्छा भैया रूपम चलो देखते हैं, है ना, थोड़ा सा लंबा काम होता है दोस्त वो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेरित नहीं है ये आपको बताना है। चलो भाई बताओ, बताइए। सिराजुद्दौला प्लासीकर युद्ध लड़ा, है ना, कब लड़ा? सिराजुद्दौला प्लासीकर युद्ध लड़ा ना, 1757 में हार गया, ठीक है, और भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव पड़ गई, ठीक है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में इसी ने ब्रिटिश सेना को लीड किया था, है ना भैया, कब की बात है? 1764 की बात है, है ना, 1764 की बात है, अंग्रेज जीत गए। वेले जली के समय में चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, और टीपू सुल्तान मारा गया, है ना। अब देखो क्या है, कार्नवालिस के समय में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ नहीं, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध आपको कल बताया था कि 1780 से 84 तक हुआ था, और इस दौरान गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, कार्नवालिस के समय में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में, और ये कल हमने आपको चारों युद्ध बताए थे, ठीक है, कल वाली क्लास भी देख लेना सभी लोग, ठीक है भैया। हाँ, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें और कहां से करें? अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो टेलीग्राम ओपन करो, ठीक है, टेलीग्राम पहले ओपन करो, टेलीग्राम ओपन करने के बाद क्या करो, वहां पर सर्च करो, क्या सर्च करो, एमडी क्लासेस ऑफिशियल, क्या सर्च करो, एमडी क्लासेस ऑफिशियल वहां सर्च करो। जब ये सर्च कर लोगे, ये सर्च करने के बाद क्या होगा, ये सर्च करने के बाद है ना आपको डेट दिखेगी कि कौन सी डेट में कौन सी फाइल अपलोड की गई है या डाली गई है, उस डेट पर क्या करो, उस डेट पर डबल क्लिक कर लो। उस डेट पर जब क्लिक कर लोगे तो आपको डेट वाइज दिखाने लगेगा, और उसी डेट पर चले जाओ जिस डेट का पीडीएफ आपको चाहिए। उस डेट पर जैसे ही क्लिक करोगे उस डेट की समस्त पीडीएफ आपके सामने दिख जाएगी, और वही पीडीएफ जो आपके काम की हो वो डाउनलोड कर लो, सिंपल है, समझ गए, और कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक। लो भैया इसमें से कौन सा सुमेलित है, लो भाई, तो अवध का विलीनीकरण, अवध का विलीनीकरण हुआ था 1856 में, ठीक है भाई, कब हुआ था? 1856 में, और 1856 में कौन था भाई? तो 1856 में कौन था? तो 1856 में तो डलहौजी था, तो ये तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। हाँ, और फिर का सिंध का विलीनीकरण 1843 में हुआ था, इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था एलिन बरो, तो ये भी सही नहीं है। फिर क्या लिखा है, चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, वेले जली के समय में, एकदम ठीक है। और तीसरा वाला एंग्लो मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ, जिस समय हेस्टिंग्स था, है ना, कौन था? हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना भाई। चलिए, हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा, शायद आप देख नहीं पा रहे लेकिन मैं आपको, है ना, लगातार इस क्लास में अब तक करीबन करीबन 70 के आसपास क्वेश्चन करा चुका हूं। कितने क्वेश्चन करा चुका हूं पता है? 70 क्वेश्चन। मैं चाहता तो केवल 85 क्वेश्चन करा के या 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करा के रख देता, ठीक है, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूं इतने क्वेश्चन? ये इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आज अगर मैं 70-75 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो कल मैं आपका जो है हिस्ट्री खत्म नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो हमने वादा किया था तो अपने वादे को निभाएंगे, ठीक है। और कल हमें पूरा जो 1.5 घंटे चाहिए वो किसके लिए चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने के लिए चाहिए, ठीक है। और कल की क्लास आपके लिए बहुत शानदार होगी, ठीक है। सुमेलित नहीं है यहां पर, तो रिंग ऑफ फेंस की नीति तो वॉरेन हेस्टिंग लाया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठगी का दमन विलियम बेंटिक के समय में हुआ, यह भी ठीक है ना भैया। हाँ, इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस सीधा सीधा गलत लिखा है, ठीक है भैया। हाँ, तो चलो फिर यहां पर करते हैं आज की क्लास को समाप्त। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास, आपको हमारा ये मेहनत पसंद आ रही होगी, और आप सपोर्ट करेंगे अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने नात पड़ोस रिश्तेदार जो हैं, जिनका भी आप जीवन बेहतर देखना चाहते हैं, भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, उनके साथ ये क्लास का लिंक शेयर करेंगे। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो करना बनता है दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी बनता है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी कम से कम इतना एक्सपेक्ट तो आपसे कर सकते हैं कि आप इतना समर्थन, इतना प्यार और हारा बिल्कुल साथ देंगे ही, ठीक है भैया। बहुत सुंदर, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़े रहने के लिए, ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, है ना। आप जानते हैं कि यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 2 घंटे और एमडी क्लासेस पर 2 घंटे, दोनों दिन, है ना, मतलब दोनों चैनल पर 2-2 क्लास होती है। इस चैनल पर सुबह 7 बजे और 10 बजे, और एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 12 बजे और रात के 9 बजे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, है ना। रिविजन करते रहिएगा, पीडीएफ एमडी क्लासेस ऑफिशियल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। लो भैया मनीष बाबू अभी तो बताया था कि क्या करना है, कुछ नहीं, जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल, और अपने डेट का, अपने पसंद का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है भैया। मुकेश, तेजवीर, अंकुर, आदित्य, अन्वी, अभिलाषा, बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।